हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दी शहनवास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम सीतापुर सिटी जंक्शन पर मौजूद हैं और आप सभी को मेरे सामने बालामो सीतापुर 043-53 ट्रेन दिखाई दे रही होगी, जो कि इसी ट्रेन से हम सफ़र करेंगे सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन के बीच में। और आप सभी को डबलिंग का जो काम चल रहा है उसकी अपडेट देंगे ट्रेन जर्नी के दौरान। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जहाँ से 7 जिससे ट्रेन जा रही है सीतापुर शाहजहाँपुर 054-59, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसी ट्रेन से सफ़र करके आप सभी को डबलिंग की पूरी अपडेट देंगे। काफ़ी दिनों से आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे, तो जर्नी के दौरान आप सभी को पूरा वर्क दिखाएंगे कितना हो चुका है अभी तक सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन के बीच में। तो शुरू करते हैं अपने सफ़र को और दिखाते हैं आप सभी को फुल अपडेट आज के इस वीडियो में। तो वैग 9 से बालामऊ सीतापुर पैसेंजर ट्रेन आप सभी को दिखाई दे रही होगी। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और सभी कोच इसमें उत्कृष्ट के लगे हुए हैं। तो हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। दोस्तों, हम लोग इस वक्त 043-53 बालामऊ सीतापुर पैसेंजर ट्रेन में आ चुके हैं और अब आप सभी को इसी ट्रेन से सीतापुर सिटी से लेकर सीतापुर जंक्शन के बीच में जो काम चल रहा है डबलिंग का उसकी अपडेट देंगे जर्नी के दौरान। हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के यूट्यूबर रिंकू रेल ब्लॉग और लखीमपुर के यूट्यूबर ब्लॉगर स्पर्श। सामने आप सभी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग तैयार हो चुका है और सामने नया नवेला साइन बोर्ड लगाया जा रहा है सीतापुर सिटी जंक्शन का। और हमारी ट्रेन सीतापुर सिटी से निकल चुकी है सीतापुर जंक्शन के लिए। दोस्तों, आप सभी को डबल ट्रैक दिखाई दे रहा होगा और हमारी ट्रेन जो पुराना वाला ट्रैक है मौजूदा हाल में उस पर चल रही है और सामने डबल लाइन का काम आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और ट्रैक भी लगभग पूरा रेडी है। तो आज आप सभी को हम पूरी जर्नी दिखा रहे हैं और जर्नी के दौरान पूरी अपडेट भी दे रहे हैं डबल लाइन की सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन के बीच में। काफ़ी शानदार नज़ारा ट्रेन के दौरान जर्नी का। तो काफ़ी सारी लेबर लगी हुई है, आप सभी को दिखाई दे रही होगी। काम की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। तो सामने सराय रिवर आप सभी को दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्वक काम था और ये काम भी अब लगभग पूरा होता हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। और हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है हमारे NER लखनऊ डिवीज़न में। और आप सभी लोग जानते हैं जो सराय रिवर का पुल है वो तो मुरादाबाद मंडल में आता है। तो ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब बारी है मेगा ब्लॉक की। तो सुनने में आ रहा है बहुत जल्द मेगा ब्लॉक की डेट आ सकती है। और यहाँ पर भी ट्रैक को लिंक किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक को रोक दिया गया है, तो कैंची का पॉइंट बनाकर यहाँ पर भी ट्रैक को लिंक किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा मेगा ब्लॉक होगा सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन के बीच में आने वाले दिनों में। दोस्तों, अब ट्रैक की दिशा बदल चुकी है, आप देख सकते हैं। और सामने वैग 9 से हमारी ट्रेन चलती हुई।
तो राइट हैंड पर आप सभी को नया ट्रैक दिखाई दे रहा है। तो काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से एनआर डिवीज़न में भी किया गया बीते दिनों में। आप सभी को नए नए जंक्शन बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे और ये छोटा सा एक ब्रिज। सीतापुर सिटी से चलने के बाद हमारी ट्रेन अपने अगले ठहराव सीतापुर कचहरी होल्ड पर पहुंच रही है और आप सभी को नए वाले ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्रॉली से जो बैलास्ट फिल करने का काम है वो भी दिखाई दे रहा है। शुरू हो चुका है सीतापुर कचहरी होल्ड पर। सामने सीतापुर कचहरी होल्ड की छोटी सी बिल्डिंग आप सभी को दिखाई दे रही है। सामने आपको जो जगह दिखाई दे रही है ये जगह भी हमारे लखनऊ डिवीज़न एनआर जोन में आती है और सामने देख सकते हैं हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और सामने बना हुआ सीतापुर का मालगोदाम थॉमसनगंज। यहाँ पर मालगाड़ियों की लोडिंग और अनलोडिंग होती है तो काफ़ी बड़े स्पेस में इस मालगोदाम को भी बनाया गया है। काफ़ी पुराना मालगोदाम है ये। WDG4 लोको लगा हुआ है और सामने आप सभी को सीतापुर का बस स्टॉप दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अब हम लोग सीतापुर कचहरी हॉल्ट से सीतापुर जंक्शन की दिशा में चल चुके हैं। तो आप सभी को मेरे राइट हैंड पर दो ट्रैक दिखाई दे रहे होंगे जो कि लास्ट वाला जो ट्रैक है राइट हैंड पर वो सीतापुर जंक्शन से डायरेक्ट जो मालगोदाम है थॉमसनगंज का वहाँ चला जाएगा और जो बीच में आप सभी को नया ट्रैक दिखाई दे रहा है ये नया ट्रैक डबल लाइन में आएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रैक का काम है वो पूरा किया जा रहा है। आप सभी को जगह जगह पर लेबर भी दिखाई दे रही होगी। तो काम की रफ्तार काफ़ी तेज़ है सीतापुर जंक्शन से लेकर सीतापुर सिटी के बीच में डबलिंग की। आप सभी को एक बात और बता दें, बीती 28 अक्टूबर को सीतापुर दौरे पर हमारे इन्हीं सर्किल के माननीय सीआरएस श्री लतीफ़ अहमद खान आए और उन्होंने सीतापुर जंक्शन से सीतापुर सिटी जंक्शन के बीच में जो काम हो रहा है डबलिंग का उसका इंस्पेक्शन किया। साथ में कुछ खमियां मिली, उन खमियों को दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी को नया वाला ट्रैक है वो दिखाई दे रहा है, उसको रोक दिया गया है क्योंकि यहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है ट्रैक को लेकर। तो यहाँ पर आप सभी को जो कैंची पॉइंट हैं वो भी दिखाई दे रही होंगी। तो कैंची को पहले से बनाकर रख लिया गया है और जब डेट आएगी मेगा ब्लॉक की तो इन्हीं को उठाकर जहाँ जहाँ पर कैंची का इस्तेमाल होना है वहाँ पर इनको लिंक किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा मेगा ब्लॉक होने वाला है सीतापुर जंक्शन से लेकर सीतापुर सिटी जंक्शन के बीच में। तो यहाँ पर भी आप सभी को नया सिग्नल दिखाई दे रहा है जो कि लगा लिया गया है और जहाँ पर OHE वैन खड़ी है इसी ट्रैक का आगे विस्तार किया गया है। आप सभी को एक बात और बता दें, पहले सीतापुर जंक्शन पर जो ट्रैक होते हैं टर्मिनेट वाले वो एको ट्रैक नहीं थे और अब जब काम शुरू किया गया सीतापुर जंक्शन से सीतापुर सिटी के बीच में डबलिंग का तो उस दौरान सीतापुर जंक्शन में जहाँ जहाँ पर जगह खाली थी यार्ड में तो सभी दिशाओं में कुछ ट्रैक डाल दिए गए हैं टर्मिनेट वाले। सामने भी आप सभी को दूर पर ट्रैक दिखाई दे रहे होंगे जो कि ये नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी आप सभी को एक ट्रैक दिखाई दे रहा है। तो लगभग 5 से 6 ट्रैक डाले गए हैं जिन ट्रैक पर आसानी से जो ट्रेन के लोको हैं उनको पार्किंग के लिए खड़ा किया जा सकता है। अभी ऐसा हाल है सीतापुर जंक्शन पर, अगर किसी भी लोको को या कोई गाड़ी को पार्क करना है तो पूरा प्लेटफॉर्म जाता है भले ही वो एक लोको ही हो। तो काफ़ी अच्छा हो रहा है कि यार्ड में जो जगह है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा हमारे पुराने वाले स्टेशन की दिशा का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की दिशा में हमारी ट्रेन चली जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस साइड भी जो वायरिंग है वो पूरी कर ली गई है और हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जा रहा है। तो काम लगभग वायरिंग का भी पूरा हो चुका है और अब बारी मेगा ब्लॉक की है तो मेगा ब्लॉक भी बहुत जल्द होगा। तो सामने हम आ चुके हैं सीतापुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की दिशा में जो स्टेशन बना हुआ है।
यानी कि जिस साइड बिल्डिंग बनी हुई है मीटर गैज की, तो दोस्तों यहाँ पर भी काम की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, तो लेबर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जगह जगह पर काम चल रहा है डबल लाइन का, और संभवता है कि नवंबर में हर हाल में जो NI का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा सीतापुर जंक्शन से लेकर सीतापुर सिटी के बीच में। तो देखना होगा कि जब डबल लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो सीतापुर रूट पर कुछ गाड़ियाँ बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। फिलहाल गाड़ियों को लेकर अभी ऐसा कोई निर्देश भी नहीं आया है, जैसा भी होगा आप सभी को जरूर बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर भी नए नए स्लीपर बिछाए जा रहे हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी शानदार वर्क का नज़ारा। और हमने आप सभी को ट्रेन जर्नी के दौरान अपडेट इसलिए दी है क्योंकि ट्रेन जर्नी से ही अपडेट पूरी तरीके से आ पाती है। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच रही है। दोस्तों हमने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में जो गैप है, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि आने वाले समय में इस गैप को भी ख़त्म किया जाएगा और यहाँ पर ट्रैक बिछाए जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारा अराइवल हो रहा है 04353 बालामोह सीतापुर पैसेंजर का। दोस्तों अराइवल देखिए सीतापुर जंक्शन से, दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन बालामोह सीतापुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच चुकी है और हमने आप सभी को पूरी जर्नी दिखाई है सीतापुर सिटी से सीतापुर जंक्शन के बीच में डबलिंग की। तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है बालामोह सीतापुर पैसेंजर और अब यही ट्रेन सीतापुर से शाम को 6:20 पर सीतापुर बालामोह 04354 के नंबर से रवाना होगी। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।